मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट। वीक है बच्चों 8, क्लास 6 5th की, सॉरी मैं यहां बात कर रही हूं। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं, देखिए बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड। तो देखिए बच्चों, कंपाउंड वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ जॉइन करते हैं और एक नया वर्ड हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सन प्लस फ्लावर, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है, इन्हें हमने जॉइन करके एक नया वर्ड बनाया, सन फ्लावर। ठीक है, आया सभी को अच्छे से समझ में। इसी तरह बच्चों, सेकेंड मैं आपको बताती हूँ इंक। इंक मतलब शाही और पॉट मतलब जो उसका वास होता है। ठीक है, तो इंक और पॉट, तो इससे क्या बना, हमने दोनों वर्ड्स को जॉइन करके बनाया इंक पॉट। तो इसी तरह बच्चों आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जॉइन द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक अ कंपाउंड वर्ड्स। अब बच्चों देखिए, हमें यहाँ पे जॉइन करने हैं वर्ड्स को। तो देखिए, टी प्लस पॉट टी पॉट, गोल्ड प्लस फिश गोल्ड फिश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज नोट प्लस बुक नोट बुक नोट बुक, बटर प्लस फ्लाई बटरफ्लाई जिसे हम तितली बोलते हैं, फ्लावर प्लस पोट फ्लावर पोट। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू मोर वर्ड्स फ्रॉम द कंपाउंड वर्ड्स गिवन बिलो। अब बच्चों इनमें से हमें क्या करना है, टू वर्ड्स हमें जो कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से दोनों वर्ड्स को हमें अलग अलग करके यहाँ लिखना है। फुट बॉल, फुट प्लस बॉल पेंट ब्रश, तो यहाँ हम लिखेंगे पेंट प्लस ब्रश, दोनों ही अलग अलग हमने शब्द यहाँ लिख दिए हैं, वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं। सनलाइट, सन प्लस लाइट, न्यूज़पेपर न्यूज़ प्लस पेपर, टी कप टी प्लस कप, स्टारफिश स्टार प्लस फिश, रेन ड्रॉप, इसे भी हमने अलग करके लिखा रेन प्लस ड्रॉप। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ हमने सभी ने, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा है कैन यू नेम द मंथ इन विच वी सी रेन ड्रॉप्स इन दिल्ली। तो बच्चों रेन हमें कौन से मंथ में देखने को मिलती है दिल्ली में, तो बच्चों जुलाई और अगस्त में हमें रेन देखने को मिलती है दिल्ली के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंस एंड यूज द कंपाउंड वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो बच्चों इनकी हेल्प से आप सभी को ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। द लाइट फ्रॉम द मून इज कॉल्ड मूनलाइट। बच्चों जो मून से हमें लाइट मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूनलाइट। द प्लम्बर यूजेस टूल्स फ्रॉम हिज, और जो बच्चों प्लम्बर होता है जो हमारे नल वगैरह सही करता है घर में, वो अपने टूल्स यूज करता है किस में से, टूल बॉक्स में से। ठीक है, टूल बॉक्स में से। अ चेयर दैट मूव्स ऑन व्हील इज कॉल्ड अ, और बच्चों जो चेयर व्हील्स पे घूमती है उसे क्या बोलते हैं हम, व्हील चेयर। आई एट टेस्टी आलू पूरी इन द, बच्चों मैंने आलू पूरी खाई, ठीक है वो बहुत टेस्टी थी, इन द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ऑन संडे, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते में, संडे को ब्रेकफास्ट में मैंने आलू पूरी खाई। हैव यू एवर ट्राइड टू सेल अ पेपर बोट इन द रेन वाटर वियरिंग अ रेन कोट आफ्टर द रेनफॉल वॉचिंग द रेनबो। तो देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कभी आपने नाव चलाने की कोशिश करी है बारिश के पानी में रेन कोट पहनकर जब बारिश चले जाती है, वॉचिंग द रेनबो, रेनबो को देखते हुए। वाओ, ऑल दीज वर्ड्स आर अगेन कंपाउंड वर्ड्स। बच्चों देखिए यहाँ फिर से ये सभी वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स हैं। कैन यू ब्रेक दीज वर्ड्स ऑन योर ओन। बच्चों इन वर्ड्स को आप सभी क्या ब्रेक कर सकते हो, तो चलिए बच्चों रेन वाटर, तो इसे हम लिखेंगे रेन प्लस वाटर, रेन कोट तो इसे हम लिखेंगे रेन प्लस कोट, रेनफॉल तो यहाँ हम लिखेंगे रेन प्लस फॉल, इसी तरह रेनबो तो रेन प्लस बो। ठीक है बच्चों,
आया सभी को समझ में? अब देखिए बच्चों, यहाँ रेन वाटर में बारिश का पानी, लेकिन जब हमने इसको ब्रेक करा तो हमें क्या मिला? रेन मतलब बारिश और वाटर मतलब पानी, ठीक है। इसी तरह रेनकोट, रेनकोट बच्चों देखिए जिसे हम बरसात में पहनते हैं, लेकिन जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमें मिला रेन। रेन मीन्स बारिश और कोट मतलब जो हम कोई भी कोट पहनते हैं। रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स बारिश का गिरना, ठीक है। अब रेन मतलब बारिश और फॉल मीन्स गिरना। अब रेनबो, तो रेनबो बच्चों हमारा जो बारिश होती है उसके बाद रेनबो निकलता है हमारा क्लाउड्स में, उसे हम बोलते हैं रेनबो। लेकिन इधर देखिए अगर हमने इन्हें अलग अलग कर दिया तो रेन मतलब बारिश और बो मतलब धनुष, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइफ स्किल नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल आर द फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री, एवरीवन सेलिब्रेट देम विद ग्रेट पैट्रियोटिज्म। तो देखिए बच्चों, नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जो कि सभी सिटीजन्स जो होते हैं हमारे कंट्री के वो उसे सेलिब्रेट करते हैं, और सभी ग्रेट पैट्रियोटिज्म के साथ, देशभक्ति के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। द थ्री नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, बच्चों इंडिया के थ्री नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, एंड गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। तो देखिए बच्चों, तीन नेशनल फेस्टिवल्स हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, ठीक है। टेक द फेस्टिवल विच आर आर नेशनल फेस्टिवल, बच्चों अब हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन हमारा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है जो कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ईद, ईद हमारा नेशनल फेस्टिवल नहीं है। दिवाली हमारा नेशनल फेस्टिवल नहीं है। गांधी जयंती, बच्चों गांधी जयंती भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है जो कि हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे भी बच्चों हमारा नेशनल फेस्टिवल कहलाता है। देखिए बच्चों, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। एंड क्रिसमस, क्रिसमस हमारा नेशनल फेस्टिवल नहीं है। नेक्स्ट इज संस्कारशाला, वी आर व्हाट आर थॉट्स हैव मेड अस, बच्चों हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, तो बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। बच्चों अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे बनोगे, अगर आप अच्छा नहीं सोचोगे तो आप अच्छा नहीं बनोगे, ठीक है बच्चों। आया सभी को समझ में? वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लाइफ दे ट्रेवल फार, बच्चों वर्ड्स जो हैं वो हमारे दिमाग में बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले जो आती है बच्चों क्या आती है? बच्चों वो हमारे दिमाग में सोच आती है, इसलिए हमेशा हमें अच्छा सोच रखनी चाहिए। फूड कलर ब्राउन, ईट ब्राउन कलर फूड्स फॉर एग्जांपल चीकू, कीवी, पोटैटो, मसूर दाल एक्सेट्रा, बीवरेजेस मैंगो शेक, लस्सी, टाइम विद फैमिली एट लास्ट, नेम प्लेस एनिमल थिंग, प्ले द गेम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक्टिविटी ऑफ अ डे अ सॉन्ग डांस कलर और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो देखिए बच्चों, आपको एक्टिविटी में कुछ भी करना है, गाना गाना है, नाचना है, कलर करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ डेली रूटीन की हैबिट्स बताई गई है कि आप डेली अपना जो दिन है उसकी शुरुआत आपके माता पिता को ग्रीट करके करें, अपने जो टीथ हैं उन्हें 2 बार दिन में ब्रश करें, डेली आप बाथ लें, नहाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और बच्चों अच्छी हेल्दी डाइट लें, और अपने चेहरे को छूने से बचें, और अपने हाथों को जल्दी से धोएं, और अपना जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करें टाइम पे। तो बच्चों इस तरह से आप सभी की यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। नेशनल बच्चों फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं हमारे, उसके बारे में पढ़ा हमने। हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। तो बच्चों इस तरह से देखिए आप सभी की वर्कशीट यहाँ पे सॉल्व होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ बच्चों लाइक बटन पे दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप सभी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और सभी के साथ शेयर कीजिए। और बच्चों नीचे दिया गया है आपको कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बच्चों आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों
कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा है, अच्छा नहीं लगा है तो बच्चों वो भी आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए और साथ ही साथ बच्चों जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और आप सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।